कल की क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज की सॉल्यूशन को देखा था, जिसमें हम लोग का कल कुछ क्वेश्चंस बनाना शेष रह गया था, जिस क्वेश्चन को कल हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए थे। आज की क्लास में उन बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, छेनी अर्थात चीजल के कटिंग कोण को अनुप्रयोग के साथ मिलान कीजिए। यहाँ चीजल का जो कटिंग एंगल है वो सब दिया हुआ है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 55 डिग्री और 45 डिग्री। यहाँ पर उसका उपयोग दिया हुआ है, अनुप्रयोग दिया हुआ है, मृदु इस्पात, ढलवा लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और ये 5 नंबर में है हम लोग का कांसा। तो कौन किसके साथ हम लोग का मैच होगा? तो ए नंबर ये हम लोग का 4 नंबर के साथ मैच होगा। बी नंबर जो है ये 2 नंबर के साथ मैच होगा। जो ये सी है ये 1 नंबर के साथ मैच होगा। डी नंबर जो है 45 डिग्री ये आपका मैच होगा 3 नंबर और 5 नंबर। ये 2 से मैच होगा, 1 3 नंबर से और 1 5 नंबर से। अगला जो क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति हथौड़े अर्थात हैमर के हेड की है। ए बी सी तथा डी से संकेत किए हुए भागों के नाम को बताना है हम लोग को। जो अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़े उसका ये फिगर दिया हुआ है। ये जो हैमर है ये हैमर बॉल पिन हैमर का है, क्योंकि आगे जो है वो गोलाकार है। अब हम लोग को ये जो ए बी सी डी लिखा हुआ है इसका नाम बताना है। ए जो है ये है हैंडल, इसका ये पार्ट जो है इसमें दिखाया गया है। तो ये है हैंडल। बी ये वाला भाग, ये भाग है वेज। और सी सी पार्ट ये हो गया हम लोग का, ये है हम लोग का बॉल पेन। और डी नीचे वाला जो भाग है इसको हम लोग डी कह रहे हैं और इसका नाम है फेस। अगला जो क्वेश्चन है, चित्र ए बी सी में दिए गए हथौड़े अर्थात हैमर के प्रकार का नाम बताना है। तो यहाँ जो ए बी और सी में ये फिगर दिया हुआ है इसमें किस हथौड़े किस हैमर का नाम क्या है? तो ए में जो है ये है बॉल पिन हैमर, इस बी वाले को कहते हैं हम लोग क्रॉस पिन हैमर और सी वाले को कहते हैं स्ट्रेट पिन हैमर। इस क्वेश्चन में हम लोग का ये छेनी अर्थात चीजल का फिगर दिया हुआ है। जो ये पार्ट दिखाए हुए हैं आपके ए बी और सी, तो इस पार्ट्स के नाम क्या है? तो ए जो है इसको कहते हैं हम लोग हेड, ये हो गया बॉडी और ये हो गया कटिंग एज या पॉइंट, कटिंग एज या पॉइंट। अगले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि ये 4 फिगर बना हुआ है, ये ए बी सी और डी, इसका नाम क्या है? तो ए जो है ए को हम लोग कहते हैं ड्रिल चक, इसको कहते हैं ड्रिल चक। ये हो गया की फॉर चक, ये वाला पॉइंट यहां लगेगा, इसकी सहायता से हम लोग इस चक को खोलते और कसते हैं। सी जो है ये फिगर जो है स्लेव का फिगर है। और डी में फिगर जो ये दिखाया जा रहा है ये आपका है सॉकेट का फिगर। डी में जो फिगर ये दिखाया गया ये फिगर है सॉकेट का। इसी प्रकार के क्वेश्चन से प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं, अलग अलग टूल्स का अलग अलग पॉइंट को दिखा कर करके उस पॉइंट का नाम क्या है
उस भाग का नाम क्या है ये आपसे पूछा जाता है, और यह प्रायः इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे उनका छूटा हुआ क्लास पूरा हो सके और वो भी अपनी जॉब को प्राप्त कर सके। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे इस चैनल पर लोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन